तो यार आ गए हैं एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। दिस इज़ दी ATR प्लेन विच विल बी टेकिंग अस टुडे टू कोल्हापुर। तो अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि खेत के बीच से जा रहे हैं, तो वॉक करना है। एंड भाई ये पूरे इसका ना डिटेल रिव्यू मैं एक बार होटल पहुंच जाऊं फिर जाके देता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो यार आज सुबह सुबह अपनी सवारी निकल चुकी है एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू कोल्हापुर जो कि है महाराष्ट्र में। तो यार सुबह जल्दी हम लोग 5:30 बजे उठ गए और फटाफट बैठे कैब में निकल पड़े एयरपोर्ट के ओर। क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी नींद गाड़ी में पूरी कर लें। तो यार आ गए हैं एयरपोर्ट और बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है। तेजी आदरा से हम लोग अभी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि मेरा और श्वेता का तो आईडी प्रूफ है, लेकिन अभी हमारी बेटी का आईडी प्रूफ नहीं है। तो गाइस हमारे पास में चेक इन लगेज है, अदरवाइज हम सीधा निकल जाते। और हमेशा के जैसे बाकी सारी एयरलाइंस की क्यू खाली थी, केवल इंडिगो में ही सबसे ज्यादा क्यू थी। तो थैंक यू सो मच इंडिगो, हमारा काफी जल्दी करवा दिया इन लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड क्यू। कोल्हापुर ऑन टाइम है श्वेता, चलो गेट नंबर 8। तो सिक्योरिटी वगैरह करा के हम लोग आ गए एंड लाउंज आज हम लोग गए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे और लाइन बहुत लंबी थी। तो हम लोग यहाँ आके KFC में बैठ गए हैं। और भी कैफेज थे यहाँ, स्टारबक्स जाने का मन तो था लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लोग बैठे हुए थे, जगह नहीं मिली हमें, टेबल फुल थे, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी कुछ खाते हैं एंड उसके बाद सोच रहा हूँ कि स्टारबक्स से कॉफी लूंगा और थोड़ी देर देखते हैं, टाइम पास करते हैं एयरपोर्ट पे, और मेरे को तो वैसे बहुत पसंद है। अभी जो हमारा है वो है एक ATR 72, और ये जो सामने आप प्लेन देख रहे हो ये है अकाशा एयर का बोइंग 737-8 MAX। मैक्स को आप देख सकते हो, वो जो स्प्लिट विंग टिप्स है ना उससे आपको पता चल जाता है कि ये एक मैक्स 77 MAX है। तो हमारी जो बोर्डिंग होगी वो नीचे के गेट से होगी क्योंकि ये जो एरो ब्रिजेस है ये केवल बड़े प्लेन्स पे लगते हैं, तो ATR वाले प्लेन्स के लिए आपको नीचे जाके बस से जाके बोर्डिंग करनी पड़ती है। तो This is the ATR plane which will be taking us today to Kolhapur. और इसमें ना सारा सामान सामने रखते हैं ये लोग। वाह भाई वाह, पायलट कहाँ से एंटर होते हैं भाई यहाँ? बैंगलोर में तो बहुत सारे बादल और टेक ऑफ के टाइम काफी टर्बुलेंस था। होती है तो हमारी पीछे से थर्ड सीट है, हमने जानबूझ के पीछे की क्योंकि जल्दी एंट्री हो जाए। और बाकी आप देख सकते हो फ्लाइट तो पूरी खचा खुच रही है। द ओनली थिंग इज यार इस प्लेन में ना AC वेंट हमने फुल कर दिए, मतलब पूरे ओपन कर दिए, फिर भी थोड़ी गर्म ही टाइप की हो ही रही है। तो गाइस आ गए हैं हम लोग कोल्हापुर एयरपोर्ट और आई थिंक वहाँ पे नया टर्मिनल बन रहा है जो चालू भी है। तो अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि खेत के बीच से जा रहे हैं तो वॉक करना है एंड वो है ओल्ड टर्मिनल, वहाँ तक जाना पड़ेगा। सो यार इस फ्लाइट की बात करूँगा, काफ़ी बम्पी राइड, मतलब आप बादल तो देख ही पा रहे हो। सर जैसे कि मैंने बताया कि कोल्हापुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन रहा है और ये जो करंट टर्मिनल है काफ़ी छोटा है, सो 2-3 एयरलाइंस ही आती हैं यहाँ पे, दिन की 2-3 से ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है। एंड बिकॉज कन्वेयर बेल्ट नहीं है तो यहाँ मैनुअली हाथ से ही सारा लगेज स्टाफ जो है वो ला के देता है। सर यहाँ मैंने एक बंदे से पूछ लिया कि टैक्सी एंड ऑटो अगर कैसे बुक करना है, प्री बुक्ड है या नहीं। मैं बोला बाहर जाके एक बार पूछ लो, वो ही बताएंगे। सर टैक्सी बस
सयाजी होटल जाए तो कितनी? 700 रुपये का है टैक्सी? यार जास्ता सांगता ना 700। सर यहाँ हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड और यहाँ थोड़ा मोल भाव करना पड़ता है, लेकिन इसने 700 बोला तो हमने सोचा चलो ठीक है। भाई ये पूरे ना डिटेल रिव्यू मैं एक बार होटल पहुंच जाऊं फिर जाके देता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है मेरा किसी एयरपोर्ट पे। हम लोग ने कर लिया होटल में चेक इन और उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए, थोड़ा नहा लिया एंड थोड़ी देर, यार सुबह से उठे हुए थे तो थोड़ा पीठ भी सीधी कर ली, लेट लिया थोड़ी देर। सो अभी बज रहा है अराउंड 3 o'clock एंड अब भूख लग रही है। सो हमने एक दो जगह सोची थी जहाँ हम लोग जाएंगे। सो एक प्लेस है प्योर वेज जगह है, वहाँ पर सोच रहे हैं जाने का, तो वहाँ पर आज लंच करेंगे फिर भगवान के दर्शन करेंगे, देवी के दर्शन करेंगे। यहाँ महालक्ष्मी मंदिर है तो वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद रात को देखते हैं कि कहाँ पे हम डिनर करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, मैंने कभी नहीं देखा प्रॉब्ली बिकॉज नया टर्मिनल बन भी रहा है एंड मतलब वो काफ़ी वो जो एयरलाइंस भी है वो भी यही सोच रही हैं कि जब नया टर्मिनल आ जाए तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे करें, तो इन्होंने इंडिगो ने एक बस भी नहीं रखी है जो टर्मिनल तक ले आए। सो इट वॉज जस्ट अ वॉक, सो वो था, प्लस कन्वेयर बेल्ट भी नहीं था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स दे आर मेकिंग इन द न्यू टर्मिनल, सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को एंड गुड थिंग इज कि एटलीस्ट सबको पता था, स्टाफ को पता था कि कैसे क्या करना है, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन नहीं थी। खैर उनके लिए तो रोज का ही काम है। और अगर मैं बात करूं उसके बाद के एक्सपीरियंस की, तो हाँ बाहर निकल के आपको टैक्सी स्टैंड तक जाना चाहिए एंड वहाँ पे गाइड करते जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वही गाइड करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ टैक्सी स्टैंड तक। हमें 700 रुपीज़ लगे फॉर 7-8 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं था बट और कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पे। तो हम जिस होटल में रुके हैं ये बिल्कुल तारा रानी स्क्वायर करके जगह है, उसके पास ही है DYP मॉल जो है, DY पाटिल आई थिंक मॉल, तो वो उस मॉल से ही लगा हुआ है होटल सयाजी होटल, तो हम वहाँ रुके हैं। चेक इन वॉज नाइस, रूम इज वेरी नाइस एंड फैसिलिटीज भी, इन्होंने हमको बेबी कॉट भी खुद ही बोला कि बेबी कॉट अगर आपको चाहिए तो हम वो भी फैसिलिटी देते हैं, तो हम लोग ने वो भी ले लिया। सो इट्स रियली नाइस, द स्टाफ इज हेल्पफुल एंड चेक इन प्रोसेस वॉज ऑल्सो वेरी स्मूथ। सो अब देखते हैं, निकलते हैं लंच करते हैं।